हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय हेल्दी चेस्का। आज हम बहुत ही ज्यादा हेल्दी और डिलीशियस वेजिटेबल पैनकेक्स बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा वेट लॉस के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें आप वेट लॉस के लिए मोस्टली अगर हम चावल और आटे का यूज कम करते हैं, उसको कम कम कंज्यूम करेंगे, तो वेट लॉस में वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। और वैसे भी रोज रोटी खाना, चावल खाना से बोरियत होती है, इसके लिए उसका सब्स्टिट्यूट लेकर हम आए हैं। तो इसके लिए हमने लिया है मैक्सिमम वेजिटेबल्स है, ये हमने कैप्सिकम लिया है जो वैसे ही रिच ऑफ विटामिन है, ये ओनियन है, ये रेडिश मूली ली है, हरा धनिया और हरी मिर्च, ये हमने यहाँ पर लौकी ली है। लौकी बहुत ज्यादा वजन कम करने में बहुत ज्यादा फायदा करती है, इसमें एक नेचुरल वाटर होने की वजह से ये इसमें नेचुरल ग्रो भी आता है, ये शुगर पेशेंट, डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल सभी को बहुत ज्यादा कम करती है। तो ये लौकी ली है, ये हमने आटा लिया है, आप इसकी जगह बेसन या बाजरे का आटा और या कुछ और भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये हमने पालक की प्यूरी ली है, पालक तो वैसे ही एक बहुत ज्यादा सुपर फूड है, इसमें विटामिन बी, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है और ये हमारी धूप से भी इससे रक्षा करता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा अल्ट्रावायलेट किरणें भी, उस किरणों से भी ये हमको बचाता है, एनीमिया से बचाता है क्योंकि इसमें आयरन बहुत होता है, हाई बीपी को कम करता है, हार्ट अटैक को रोकता है और हमारी मतलब ब्यूटी में भी फायदा करता है, ये हमारे बालों की मजबूती के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये हमने पालक की को अच्छी तरह से साफ करके धोकर इसकी प्यूरी तैयार की है। ये हमने इसके सबके को मिलाने के लिए हमने छाछ लिया है, दही को अच्छी तरह से फेंट कर उसको तैयार किया है। हमने मसाले लिए हैं, सभी मसाले हैं, आइए अब हम पैनकेक बनाते हैं। अब हम सबसे पहले ये हमने एक बोल ये आटा लिया है गेहूं का, आप इसकी जगह बेसन या और किसी का आटा भी यूज कर सकते हैं। ये हमने कैप्सिकम लिया है, इसको हमने चॉप करके छोटा छोटा काट लिया है। सब्जी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, और या और ये लौकी को भी हमने चॉप किया हुआ है। हम मैक्सिमम वेजिटेबल का यूज कर रहे हैं। ये हमने ओनियन लिया है, इसको भी चॉप कर लिया है। ये हरी मिर्च, हरा धनिया, ये पालक की प्यूरी ली है। पालक को अच्छी तरह से धोकर साफ करके इसको कच्चा ही हमने मिक्सी में पीस लिया है। ये हमने दही लिया है, दही की को अच्छी तरह से फेंट कर तैयार कर लिया। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैक्सिमम वेजिटेबल्स हैं, इसमें लौकी और पालक को बहुत ज्यादा यूज किया गया है, जो कि हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वैसे भी पालक और लौकी को लोग कम खाना पसंद करते हैं, ये थोड़ा सा टाइट हुआ, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आप मिला लें। ये देखिए अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। ये हमने मिर्च डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा, नमक कम ही रखे, थोड़ा थोड़ा सा सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ी सी हींग, ये हमने थोड़ी सी चिल्ली सॉस ली है, ये आप डाल सकते हैं या नहीं, अगर आपको स्पाइसी बनाना है, टेस्टी ज्यादा बनाना है तो आप डाल लें, यूज कर लें। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मैक्सिमम वेजिटेबल्स, जितनी ज्यादा आपको जो भी पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें हमने मोस्टली लौकी
और पालक का यूज किया है, जो कि ये दोनों ही वेट लॉस में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, डाइजेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, एंटी कैंसर है, और ये बहुत ही ज्यादा हार्ट अटैक को रोकती है, हाई बीपी को कम करता है, ब्यूटी में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है दोनों, बालों को मजबूती देते हैं। आयरन, पालक में तो आयरन बहुत ज्यादा होता है, इस तरह से देखिए ये सारा मिक्स कर लिया, बहुत ही ज्यादा हेल्दी। इसमें आप चाहें थोड़ा क्रिस्पीनेस के लिए थोड़ा सा इसमें सूजी को भी ऐड कर सकते हैं, ये आप ऑप्शनल है। अब हम एक पैन में अच्छे से इसको पहले ग्रीस कर लेंगे वेजिटेबल ऑयल से, लगाने के बाद इसमें इसका बैटर डाल देंगे। वेट लॉस के लिए गेहूं का और चावल का यूज कम करें, ये उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, सब्स्टिट्यूट है। इस तरह से देखिए इसको थोड़ा सा थिक और बिल्कुल गैस की फ्लेम सिम होनी चाहिए, सिम पर आप इसे रखें। अब मैं इसके ऊपर ये जो मैंने मूली काटी हुई थी, आप इसकी जगह ओनियन है, पोटैटो है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेडिश का यूज किया है, जो कि हेल्थ के लिए, वेट के लिए, डाइजेशन के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसे थोड़ी सी ओनियन, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी सी सिम पर इस तरह से इसको धीरे धीरे रोस्ट होने दें, थोड़ी देर के लिए आप इसको ढककर रख दें। लौकी में तो बहुत ही अच्छा नेचुरल वाटर होता है, जो कि नेचुरल ग्लो देता है, शुगर पेशेंट के लिए, डाइजेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देखिए ये एक तरफ से बहुत अच्छे से पक गया है, इसको अच्छी तरह से इसको निकालते हैं, दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से ऑयल डाल देंगे। ऑयल बहुत कम यूज करना चाहिए, बहुत कम, जितना आप कम यूज करें उतना ही ज्यादा वेट लॉस के लिए फायदेमंद है। मैंने यहाँ पर बहुत कम, हाफ टेबल स्पून ऑयल यूज किया है, ये बहुत ज्यादा सिम पर आप इस तरह से इसको थोड़ी देर पकने दें, बहुत अच्छा सा, बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बनेगा ये। इस तरह से इसको थोड़ी देर फिर से दूसरी साइड के लिए रोस्ट होने के लिए रखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से देखिए रोस्ट हो चुका है दोनों तरफ से। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे, अब हम इसको प्लेट में इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी, ये देखिए बहुत इजीली इस तरह से निकलेगा, ये निकल, देखिए कितना अच्छा, कितना टेस्टी, बहुत ज्यादा देखते ही खाने का मन करे। अब वेजिटेबल पैन केक बनकर बिल्कुल तैयार है, ये लौकी और पालक से बना हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा वेट लॉस में तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा, हाई बीपी को कम करेगा, हार्ट अटैक को कम करेगा, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स और बहुत ज्यादा शुगर पेशेंट, डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल को कम करना बहुत सारे फायदे हैं। ये एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है पिज्जा का, केक का, चीला का, पूड़ी पराठा सभी का,
ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी रेसिपी। ये थोड़ी सी स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएं और इसे मीठे टमाटर केचप के साथ खाएं तो बहुत ज्यादा ये अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छा बुरा जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।